क्या आपको पता है कि इस किंग साइज लॉबस्टर की मलाई कड़ी बहुत ही यम्मी बनती है और बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे इस लॉबस्टर की हर एक पार्ट की कड़ी, बहुत ही अलग तरीके से लेकिन एक ही कड़ी में, होल लॉबस्टर कड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मेरे पास 5 लॉबस्टर है जिसका वेट करीब 2.2 kg था। ये मार्केट से मुझे इसी तरह से काट कर दिया है। देखिए, इसका जो पेट होता है उसको निकाल दिया है, इसकी जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको काट दिया है और जो बीच में एक धागा होता है ब्लैक कलर का उसको भी काट दिया है। यहाँ पर बीच पे एक स्टिक मेरे को वहाँ पे घुसा के मिला हुआ है, जिसको अंकल ने बोला इसी तरह से पकाइए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में है। दालचीनी मैंने 2 टुकड़ा लिया है, इलायची मैंने 2 टुकड़ा लिया है, लौंग लिया है और तेज़पत्ता लिया है। यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ प्याज लिया है, करीब 4 मैंने यहाँ पे प्याज लिया हुआ है। ये अदरक 2 चम्मच, लहसुन 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है। सारा चीज़ मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया है दही, दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, आधा कप दही मैंने लिया है। ये हमारा नारियल का दूध, यहाँ पर मैंने बस एक ही कप रखा हुआ है, यहाँ पर मुझे लगेगा 3 कप। 2 मैंने मिर्ची रखे हुए हैं और ये कुछ मसाले, बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं, और ये है गरम मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले लॉबस्टर को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, ब्रश से आप इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लें घिस घिस कर, उसके बाद ही इसे पकाएं। तो वॉश करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नमक और थोड़े से हल्दी के साथ अभी मैरिनेट करके रख दूंगी करीब आधे घंटे के लिए। बहुत ही अच्छे से नमक और हल्दी को हमें इसके अंदर लगाना है, जहाँ पे अब कट लगा हुआ है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से लग जाना चाहिए। फिर इसको हम रख देंगे साइड में आधे घंटे के लिए करीब। उसके बाद तेल गरम करेंगे और एक एक करके हमें इस लॉबस्टर को इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसका कलर देखिए कुछ इस तरह से रेड कलर का हो जाएगा। पूरा बॉडी अगर आप फ्राई ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, मैं अभी वीडियो के पर्पस में इसको पूरा फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका जो लेग है, लंबा सा जो स्ट्रिंग है या फिर लेग है, इसको आप तोड़ कर भी इसको भून या फिर पका सकते हैं। तो देखिए मैं इसको तोड़ने का प्रोसीजर बता रही हूँ। इसको इस तरह से पकड़ के थोड़ा सा घुमा देना है, तो देखिए बहुत ही इजीली ये टूट जाता है। इसको आप अगर सीधा सीधा खींच देंगे तो इसका जो अंदर का जो मीट है वो निकल के आ जाएगा। देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा इसको घुमाना है। इसके स्ट्रिंग्स में काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ग्लव्स पहन कर ही करें। तो चलिए ये तो मेरे फ्राई हो चुके हैं सारे के सारे लॉबस्टर, अभी कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल जो था, अगर आपका नहीं जला हुआ है तो उसी तेल में आप पका सकते हैं। पहले मैंने 1 चम्मच घी डाला है जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है। उसके बाद खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसाले मेरे चटक जाने के बाद मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज मैंने 4 प्याज को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। मसाले आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा, रिच नहीं बनेगा। जो आप ऐसे ही नॉर्मली घर पर कड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। बस 2 चीज़ अलग से है, वो है दही और नारियल का दूध। नारियल का दूध यहाँ पर मेरे को 3 कप लग चुके हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज को गलाने के लिए मैं 1 चम्मच जो मैंने नमक रखा हुआ था उसको मैं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से प्याज जो है बहुत जल्दी से गल जाता है। प्याज मेरा करीब 60% कुक हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन, ग्रेट किया हुआ लहसुन। लहसुन के बाद हम इसमें अदरक भी डाल देंगे। इनका अमाउंट मैंने 2 चम्मच के करीब रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को अभी हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मीडियम टू हाई पर ही अभी हमने फ्लेम को रखा हुआ है, लो पर नहीं रखा है। बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद जो हमारे जितने मसाले रखे हुए थे उसको हमने डाल दिया, और उसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अभी हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे, हो सके तो आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, उसके बाद ही दही को डालें, नहीं तो दही फट सकती है। दही हमने डाल दिया है। अब दही हमारा बिल्कुल फट ना जाए या फिर ख़राब ना हो जाए कड़ी हमारा, इसलिए जो बाकी बचा हुआ हमारा नारियल का दूध था उसे हमने डाल दिया है। देखिए कड़ी का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है। इसी वक्त आप चाहें तो हरे मिर्च जो है आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अलग से कड़ी निकालना है अपने छोटी सी डॉटर के लिए।
तो वो मिर्च नहीं खाती है। देखिए इसको पकाते रहना है, तो देखिए इसमें से मैंने 5 मिनट के लिए पकाया है, तो इसमें से जो तेल है वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें हम दूसरा कप जो हमारा नारियल का दूध था वो हमने इसमें डाल दिया है, ताकि इसका जो कढ़ी है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। कलर देखिए अभी इसका बहुत ही प्यारा आ चुका है, स्मेल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके हमने जो लॉबस्टर फ्राई करके रखे हुए थे उन्हें हम रख देंगे इसमें, और थोड़ा सा हम इसका जो कढ़ी है वो कढ़ी उठा उठा कर इसके ऊपर रख देंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से जो मसाले हमने फ्राई किए हैं या फिर कढ़ी का जो मसाला है वो इसमें अच्छे से घुस जाए। कुछ इस तरह से आपको ये मसाले उठा उठा के, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं मसाले उठा उठा कर इसमें रख रही हूँ। बहुत अच्छे से इसको आपको पका लेना है करीब 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम तीसरा जो हमारा कप था नारियल के दूध का उसको हमने डाल दिया है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से पक जाए। इसको बहुत ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस 5 मिनट का आप इंटरवल रखें और फिर इसको हम उठा लेंगे। देखिए अभी मैं बिना मिर्च वाला जो है एक लॉबस्टर पहले से उठा के रख दे रही हूँ। अब बाकी का प्रोसीड्योर मैं आपको इसके साथ दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने गरम मसाला जो लिया हुआ था उसको मैंने डाल दिया है, और फिर हमने डाल दिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने इस तरह से काट काट कर डाल दिया है। अभी गरम मसाला और हरी मिर्च के साथ इसको बस 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। अभी हमारे जो लॉबस्टर हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इनको हम उठाकर रख लेंगे एक प्लेट में साइड में, और जो कढ़ी हमारी बची हुई है इसमें हम पकाएंगे जो लॉबस्टर के लेग्स या फिर जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें हम इसमें पकाएंगे। एक एक करके उसे हम डाल देंगे। इसके अंदर जो स्टिक डाला हुआ था उसको मैंने नहीं निकाला है, बस ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे, और इसी तरह से हम इसमें डालकर इसे पका लेंगे। सारे मसाले को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि इसका टेस्ट भी बढ़ जाए, और इसको पकाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको ढक कर रख दें, तब तक आप इसको सर्व कर सकते हैं। जब तक आप इसको सर्व करेंगे लॉबस्टर को, तब तक जो लॉबस्टर के स्ट्रिंग्स या फिर लेग्स हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने लॉबस्टर को एक प्लेट पर रखा है, उसके ऊपर थोड़े से मसाले और ऊपर से धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। तो लीजिए आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। इतनी ही देर पर मेरे जो स्ट्रिंग्स थे वो तैयार हो चुके, उनको भी मैं कुछ इसी तरह से सर्व कर रही हूँ। और ये जो मेरा एक नन्हा सा लॉबस्टर है इसको भी मैं धनिया के पत्तों के साथ सर्व कर रही हूँ मेरे डॉटर के लिए। तो लीजिए तैयार हो चुका है। देखा आपने, बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ ये अम्मी लॉबस्टर की रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।